का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोगों हिंदी मीडियम का जो छठवीं क्लास का है साइंस विज्ञान जिसको बोलते हैं उसका पहला लेसन लेकर आ गया हूं। देखोगे प्राकृतिक संसाधन हवा पानी तथा जमीन, इसे आप लोगों को हवा पानी तथा जमीन के बारे में पूरा बताया गया है डिटेल में। बस आप लोग अच्छी तरीके से देखोगे 100% आप लोग समझ में आएगा। देखोगे सबसे ऊपर वाला जो अपने सर के ऊपर, मतलब सर के ऊपर नहीं, जो वायुमंडल है ऊपर रहता है, और जल मंडल जो पानी होता है, अस्थल मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, वो अस्थल मंडल और जल मंडल मतलब पानी, और वायुमंडल मतलब जो एटमोस्फेरिक प्रेशर रहता है उसको वायुमंडलीय दाब भी बोला जाता है मंडल। अब नीचे देखोगे जो इसका पहला वाला है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, इसे प्राकृतिक संसाधन से सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोग क्या करना अच्छे तरीके से देखना है। देखोगे प्राकृतिक संसाधन, इस आधार पर यह बात समझ में आती है कि आकृति के कुछ घटक पानी में है, कुछ घटक जमीन पर है और कुछ घटक आकाश अथवा हवा में है। इस तरीके से इस प्रकार पृथ्वी पर स्थित सभी घटक हवा पानी तथा जमीन से संबंधित, मतलब एक दूसरे से जो अर्थ पे है वो सब क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। उसके जमीन जमीन पानी और हवा को क्रमशः स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहते हैं, मतलब तीनों को स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल कहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न सजीव इन तीनों मंडलों में से एक या अधिक मंडलों में संचरण करते अथवा रहते, मतलब एक में या दूसरे में, दो में रह सकते हैं। इस तरीके से सजीव, सजीव मतलब क्या हो गया, जो कीड़े मकोड़े हैं प्लस इंसान, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे जगह रह सकते। इन सजीवों सजीवों और उनके इनके व्याप्त तीनों मंडलों के भागों को संग्रह रूप से जल जीव मंडल कहा जाता है। मतलब तीनों को, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों को मिलाने के बाद आप लोग को जीव मंडल कहते हैं। देखोगे यहाँ पे जीव मंडल दिया गया है, मतलब तीनों को मिलाने के बाद, स्थल मंडल को, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों को मिलाने के बाद आप लोग का जीव मंडल बनता है। उसके आप लोग नीचे देखोगे और दिया गया है, पिछली कक्षा में हमने यह सीखा है कि पृथ्वी के इन मंडलों का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ, मतलब नेचर के थ्रू, ये किसके थ्रू हुआ, नेचर के थ्रू हुआ है। और इधर भी आप लोग देखोगे थोड़ा सा नीचे, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल अर्थात हवा की परत, मतलब अपने जो हम लोग का ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जो है वो हम लोग को क्या किया, जमीन की तरफ खींच के रखा है, और एटमोस्फेरिक वायुमंडली जिसको हम लोग दाब बोलते हैं वो हमारे सर के ऊपर है। इस तरीके से दिया गया है, पृथ्वी का पृष्ठ भाग पानी और जमीन अर्थात जल मंडल तथा स्थल मंडल से बना है, मतलब जो अपना पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी क्या किस किस चीज से मिला है, पानी, जमीन तथा जल मंडल स्थल से बना है। इनमें से जल मंडल का भाग स्थल मंडल की तुलना में अधिक, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे 71% जो है अपना पानी है। देखोगे यहाँ पे डायग्राम भी बताया गया है आप लोग को, जल मंडल जो है पानी वो 71% और से जमीन कितना है 29% आप लोगों का सिर्फ जमीन है और पूरा आप लोगों का पानी ही है। और उसके नीचे आप लोग देखोगे इनमें से जल मंडल का भाग स्थल मंडल की तुलना में अधिक है। पृथ्वी पर स्थित जमीन तथा पानी की मात्राओं की जानकारी हम आकृति 1.2 ये जो डायग्राम है इसमें मैं आप लोग को बताया अभी 71% क्या है पानी है, 29% जो है अपना क्या है जमीन है। अब ठोस, द्रव और गैस, ठोस मतलब जो आप लोग लकड़ी, कोई लकड़ी ले लो वो ठोस रहता है, द्रव्य मतलब सपोज मान लो द्रव्य मतलब क्या हो गया लिक्विड चीज, मतलब पानी एक प्रकार से क्या हो गया द्रव्य हो गया, और गैस जो अपना एयर मतलब हवा हो गया, ऐसा क्या है गैस के रूप में पाए जाने वाले प्राकृतिक घटकों को हम संसाधन के रूप में देखते हैं, मतलब ये भी एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन अर्थात इन घटकों का उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मतलब जो अपनी नीड है, अपनी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हम लोग ये ठोस, द्रव और गैस का यूज करते हैं। आओ अब हम इनके घटकों का विस्तृत मतलब अध्ययन करते हैं बहुत डीपली। डीपली मतलब क्या होता है, अंदर तक इसको अच्छी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखोगे थोड़ा सा याद करो वायुमंडल की पांच परतें कौन कौन सी, वायुमंडल के में पांच परत किन्हें लेयर, हम लोग परत को हम लोग इंग्लिश में लेयर बोलते हैं। हवा, अब देखोगे कौन कौन सी है इसमें अभी हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। देखो ध्यान से, हवा पहला पॉइंट आता है हवा। अब इसे पृथ्वी के चारों ओर स्थिर हवा में क्या क्या है, इंक्लूड क्या क्या उसके में शामिल क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, छह निष्क्रिय गैसे जो यूज में नहीं आते वो इसे गैसे हैं, निष्क्रिय गैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
पानी की वाष्प, धूल के कण आदि सभी का समावेश है। किसमें है? हवा में है। कौन कौन सा चीज देखोगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी का वाष्प, धूल के कण, ये सभी कहाँ है? हवा में। क्या है? मिश्रित है, मतलब उसमें समावेश है, इंक्लूड है। हवा की संपूर्ण गैसों का लगभग 80% मतलब 80% भाग क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में यह मात्रा लगभग कितना? 19% होता है। आगे मध्य मंडल, मध्य मतलब क्या होता है? मिडल। मिडल मतलब क्या हो गया? बीच में। तथा अयन मंडल में गैसों की यह मात्रा कम होती रहती है। वायुमंडल, वायु मतलब बाहर वाले, वायुमंडल देखो यहाँ पे दिया, वायु मतलब क्या होता है? बाहर, और उसके बाद गैस नहीं पाई जाती, मतलब वहां बोलते हैं वहां स्पेस में कभी भी एयर नहीं मिलता, स्पेस में एयर नहीं रहता। उसके नीचे आप लोग देखोगे एक डायग्राम भी दिया है, आप लोग डायग्राम से पूरा बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से बस आप लोग क्या करना, अच्छे तरीके से देखना है। तुम्हारी समझ में यह बात आएगी कि चारों पृथ्वी के चारों ओर स्थित अनेक गैसों का मिश्रण वायुमंडल का प्रमुख घटक अर्थात हवा है। मतलब एयर में, हवा में ही सब क्या, कुछ सब कुछ मिला हुआ है, और उसके गैसों के साथ ही धूल के कण तथा पानी की वाष्प का भी समावेश में होता है। हवा में स्थित गैसों की मात्रा भूपृष्ठ, भूपृष्ठ मतलब अपना जमीन, भूमि, भूपृष्ठ पास के पास अधिक होती है, परंतु जैसे जैसे हम भूपृष्ठ से ऊपर मतलब हाइट, हाइट डीप में नहीं जाना है आप लोगों को, ऊपर जाना, ऊपर की तरफ, वैसे वैसे यह कम होती है। मतलब जितना ऊपर हाइट पे चले जाओगे उतना ऊपर जाते जाते आप लोग एक समय आएगा कि जहां पे हवा नहीं मिलेगा। अब देखोगे इधर एक डायग्राम दिया गया है, हवा के घटकों की मात्रा तथा उनके कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं। अब देखोगे यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम को ध्यान से देखना। हवा के विभिन्न घटकों की मात्रा, ऑक्सीजन का देखोगे 21%, ऑर्गन का 0.9%, अन्य गैसों तथा घटक का 0.07%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% और नाइट्रोजन का 78%। आप लोगों को सबसे ज्यादा अपने जो हवा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आप लोग बोल सकते हो नाइट्रोजन गैस जो है सबसे ज्यादा 78% पाया जाता है। और नीचे सबसे यूजफुल आप लोग इस पेपर में भी पूछा जा सकता है, ए वाला जो नीचे दिया गया बॉक्स, बॉक्स वो अच्छी तरीके से आप लोग देखना, अच्छी तरीके से समझना। देखो हवा के गैसों के कुछ उपयोग, नाइट्रोजन किसके लिए यूज होता है, ऑक्सीजन किसके लिए यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ऐसा किसके लिए यूज होता है, ये सब भी आप लोगों को जानना है। अब देखोगे नाइट्रोजन सजीवों की आवश्यक प्रथिन मिलने, मतलब प्रथिन मतलब एक प्रकार से प्रोटीन हो गया, में सहायता करती है, अमोनिया तैयार करने में तथा खाद्य पदार्थ वायु रुद्ध रखने में उपयोगी होता है। मतलब नाइट्रोजन क्या होता है, सिंपल से अपने सजीवों की आवश्यकता जो प्रथिन है, प्रोटीन से उसे सहायता मिलती है, अमोनिया तैयार करने के लिए, खाद्य पदार्थ को वायु रुद्ध रखने के में उपयोगी होता है। उसके ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन तथा पदार्थों का ज्वलन में उपयोगी होता है। मतलब सजीव का ऑक्सीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस अपने क्या है, ऑक्सीजन है। जब हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंसान मर जाएगा, ऑक्सीजन लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सबको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, पेड़ पौधा उसको लेते हैं, उसी से अपना वो भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण से। देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति अपना भोजन तैयार करने के लिए उपयोग में लाती है, अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है आर्गन, विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है, विद्युत जो 100 वाट का बल्ब होता है उसके अंदर एक आर्गन करके ऐसा पतला सा लेयर जैसा होता है, वो हिल जाता है तो जब नीचे गिर जाता है तो जलता नहीं लाइट, उसको हम लोग आर्गन बोलते हैं, आर्गन। अब आता है हीलियम, कम तापमान प्राप्त करने के लिए तथा बिना पंखे वाला इंजन पर चलने वाली वायुयानों में उपयोग किया जाता है। मतलब हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, बहुत कम तापमान, टेम्परेचर जो है बहुत ही कम, प्राप्त करने के लिए बिना पंखे वाला इंजन, जिसके अंदर फैन का पत्ती जो इसको हम लोग बोलते हैं वो ना लगा रहे, इंजन पंखे वाला इंजन पर चलने वाला वायुयानों में उपयोग किया। नियॉन का कहाँ यूज होता है, विज्ञापन कार्य तथा सड़कों के दीपों में उपयोग किया जाता है। और उसके बाद क्रिप्टॉन फ्लोरोसेंट पाइप में उपयोग किया जाता है। उसके ज़ेनॉन, ज़ेनॉन कहाँ, फोटो, अभी जो हम लोग फ्लैश लाइट अपना कैमरा यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है इसका, किसका, ज़ेनॉन का।
अब उसके बाद आप लोग को आता है नीचे, ध्यान से सुनना। इसमें यह सदैव ध्यान में रखो, हवा में स्थित विभिन्न गैसों तथा अन्य घटकों के संतुलन के कारण पृथ्वी की जीव सृष्टि बनी रहती है। मतलब जब तक एयर में सब कुछ जो गैसेस हैं वो अपने यूजफुल रहेंगे, जब तक एक ज्यादा उसमें कभी बाय द वे कोई ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। बट ये सब इक्वल मतलब संतुलन बना के रखते हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता, तो संतुलन बना रहता है तभी जाके हम लोग का जीवन सृष्टि बनी रहती है। अब जीवन के लिए आवश्यक सूर्य प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए तथा अन्य घातक घटकों को रोकने के लिए वायुमंडल अत्यंत महत्वपूर्ण छनन है। मतलब वायुमंडल में क्या होता है, जो अपना सूर्य प्रकाश भी अपने पास तक पहुंचता है, प्लस जो अपने घातक चीज है, अन्य घातक जो अपने घटक हैं, फैक्टर्स मतलब क्या होता है घटक, वो सब चीज क्या होता है, जब ऊपर से अपना कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हवा में मिक्स हो जाता है, तो वहीं पे वो खत्म हो जाता है। जो हवा ऑब्जर्व कर लेता है, छह गैसेस है सो अपने में ऑब्जर्व कर लेती है। उसके बाद आता है वातावरण द्वारा ही कोहरा, कोहरा देखते रहोगे गांव में, जब कोहिरा बोलते हैं हिंदी में, एकदम शुद्ध गांव वाले भाषा में बोलते कोहिरा, बादल बर्फ तथा वर्षा का निर्माण होता है। कोहरा बादल हवा तथा आवरण, आवरण एक प्रकार से ये भी क्या है, लेयर। आवरण मतलब क्या होता है, लेयर। हिम तथा वर्षा का निर्माण भी वायुमंडल के कारण ही संभव है। उसके नीचे आप लोग देखोगे जो है आप लोग का प्रेक्षण करो तथा चर्चा करो, संलग्न चित्रों में कौन कौन से समानता है, मतलब देखोगे इससे मेन काम क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उसमें भी धुआं निकल रहा है, इसमें भी सब में क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है। अब इसमें आप लोगों को वायु प्रदूषण होता है, पूछ सकते हैं पेपर में वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो आप लोग देखोगे यहां से आप लोग सिंपल से लगा सकते हो। देखो ऊपर के सभी चित्रों में विभिन्न माध्यमों द्वारा धुएं का उत्सर्जन होता है हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब धुआं उसमें से क्या हो रहा है, निकल रहा है, और यह धुआं सीधे वायुमंडल कि हवा में मिश्र मतलब एयर में मिक्स हो जा रहा है। इसके कारण हवा के घटकों का संतुलन बिगड़ता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल से देखोगे वायु प्रदूषण। इतने आप लोग सिंपल सा बोलोगे, विभिन्न से आप लोग लगा सकते, इतना आप लोग वायु प्रदूषण बोलते हैं। अब देखोगे उसके आगे वाहन तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों में ईंधनों का ज्वलन और लकड़ी कोयले जैसे ईंधनों का अपूर्ण ज्वलन के कारण बाहर निकलने वाले गैसों द्वारा वायु प्रदूषण में दिन प्रतिदिन निरंतर वृद्धि मतलब ज्यादा ज्यादा होते जा रहा है, क्योंकि आज के कारखाना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज जो कंपनियां, वो बहुत सारा क्या करते हैं, ईंधन का यूज होता है, उसमें से जो धुआं निकलता है वो एयर में मिलता है, इससे भी पोल्यूशन बहुत तेज, वायु प्रदूषण बहुत तेजी से हो रहा है। अब देखोगे इसमें आप लोग एक देख इस साइड में दिया गया है, ईंधन के ज्वलन से हवा में छोड़े जाने वाले घातक घटक कौन से, ईंधन जब जलता है मतलब लकड़ी जलता है तो उससे कौन कौन से घटक जो ज्वलन होता है, जलने से कौन कौन से घातक घटक हैं, पहला दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कालिक, इतना दिया, ये सब भी आप लोग याद करके रखो। अब आता है ओजोन की परत, ओजोन की परत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखोगे ओजोन की परत संरक्षक कवच, एक प्रकार से क्या है, लेयर, ओजोन की परत मतलब लेयर, ओजोन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में भी ओजोन ही बोलते हैं। अब देखो वायुमंडल के मध्यमंडल मतलब बीच के निचले भाग में ओजोन O3 बोलते हैं, H2O पानी होता है, O ऑक्सीजन, और इसमें O3 जो होता है ओजोन होता है, गैस की परत पाई जाती है। यद्यपि ओजोन गैस सजीवों के जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं होता, मतलब ये जीवित सजीव जो हैं लिविंग थिंग्स उसके लिए बेनिफिट नहीं होता, फिर भी अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत होना सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य के आने वाले पराबैंगनी मतलब उससे जो सूर्य की किरण जो आती है, पराबैंगनी किरणें सजीव के लिए हानिकारक होती है, ओजोन गैस इस किरणों को अवशोषित कर लेता है, मतलब जो ऊपर सूर्य की तरफ से जो किरण आती है उसमें से जो अपने बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट फूल रहता है उसको क्या करती है, ओजोन जो लेयर है वो क्या करता है, उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेता, अपने तक उस चीज को पहुंचने नहीं देता, ओजोन गैस इस किरणों को अवशोषित कर लेती है, इससे पृथ्वी के सजीवों की रक्षा होती है, एक प्रकार से इसका यूज भी बोल सकते हो। और उसके बाद आप लोग देखोगे इधर दिया वातानुकूलन यंत्रों तथा प्रशीतकों में हवा ठंड करने मतलब उसे जो हमला फ्रीज होता है, प्रशीतकों बोलते हैं, प्रशीतक मतलब क्या होता है, फ्रीज, उसे हवा ठंड करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्लोरो
फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे पदार्थों के हवा में मिलने से ओजोन की परत का क्षय होता है। क्षय मतलब वो खत्म होता है। अब ओजोन के महत्व सभी लोगों लोग समझें, इस उद्देश्य से पूरे विश्व में 16 सितंबर का दिन ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। अब मैं और आप लोग को बताता हूं क्या चीज है, पूरा अच्छी तरीके से आप लोग देखो, 100% आप लोग समझ में आ जाएगा। अब उसके आगे देखोगे, अब आता है पानी। पानी क्या है? सुबह से सवेरे सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक तुम्हारे घर में पानी का उपयोग कौन कौन से कार्यों में कितना कितनी मात्रा में होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करो और संलग्न तालिका में पुट करो। मतलब इधर देखो एक डायग्राम दिया है, ए बॉक्स, इसी में आप लोग को भरना है। तो मतलब कितना पानी यूज करते हो आप लोग, क्योंकि ज्यादा पानी आप लोग फेंक देते हो, इसे यूजफुल जो हम लोग यूज करते हैं वो पानी को रीयूज भी किया जा सकता है। जो अपने यूज करते कपड़ा धोने के लिए उसको अपने कहीं डाल सकते हैं पानी, वो इससे सेम आप लोग को पानी व्यर्थ नहीं, क्योंकि पानी ही अपने लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी प्लस ऑक्सीजन, हवा पानी और रहने का, तीन चीज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए पानी का भी बेकार नहीं करना चाहिए। और देखोगे इसे इस विषय पर क्लास कक्षा में चर्चा करो। उपयोग में लाए गए पानी की कुल मात्रा में घर के व्यक्ति की संख्या से भाग दो। मतलब जितना पानी टोटल आप लोग घर में लाते हो उससे क्या करना है आप लोगों को, उससे डिवाइड करना है जितने पेरेंट्स हैं आप लोग के, जितने हैं मेंबर्स। अब इससे तुम्हें यह जानकारी मिलेगी कि प्रत्येक व्यक्ति कितना पानी उपयोग में लाता है। ऊपर की कृति से यह स्पष्ट होता है कि पानी के बिना दिन बिताना हम सभी के लिए लगभग असंभव है। मानव शरीर के सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। मतलब डे में, अभी सपोज दिन भर में अपने सबको 3 से 4 लीटर पानी पियोगे तब अपना बॉडी क्या होता है, स्वस्थ होता है, कभी बीमारी नहीं पड़ता। अब अन्य सजीवों को भी इसी तरह पानी की आवश्यकता होती, उनके शरीर के आकार के अनुसार यह पानी मात्रा कम या अधिक, इससे ही हमें यह पानी बहुत समझ में आता है। उसके बाद आप लोग देखोगे हाइड्रोजन गैस का हवा में ज्वलन होने पर उसका ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, इस संयोग द्वारा पानी बनता है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या करता है, एयर से क्या करता है, कंटेक्ट करता है और उसी में मिलने के कारण क्या बनता है, पानी बनता है। इस संयोग द्वारा पानी बनता है। पानी की विशेषता हम पिछले कक्षाओं में ही सीख चुके हैं। अब देखोगे यहाँ पे एक दिया है बॉक्स, इसको भी आप लोगों में बता देता हूँ। समान तापमान पर पानी 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। पानी में रंग, स्वाद तथा गंध नहीं होता। मतलब पानी में एक आप लोग बोल सकते हो उसके न स्वाद होता है, न गंध होता है, न कोई भी रंग होता है। अनेक पदार्थ पानी में सहजता से घुल जाते हैं। बहुत सारे पदार्थ जो रहते हैं आसानी से क्या होता है, पानी में घुलते हैं। इसलिए पानी वैश्विक विलायक है। प्राणियों के रक्त तथा वनस्पति के रस द्रव्य में भी पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसी भी सजीव के लिए पानी बिना जीवित रहना संभव नहीं, इसलिए पानी को जीवन कहते हैं। अब देखो कि नीचे आप लोग दिया गया है, पृथ्वी पर स्थित पूरे पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते। मतलब पूरा अर्थ पे जितना पानी है उसका हम लोग पूरा यूज नहीं करते। अब देखो इसे समुद्र का पानी कितना, 97% सिर्फ पानी पीने योग्य। अभी इसे से माइनस कर दोगे 100 में से, आप लोग सिंपल से देखो आप लोग 100 हो जाता है। बाकी इसे से 2.7% जो है समुद्र महासागर 97% पानी है। पीने योग्य मीठा पानी 2.7, इस तरीके से इसमें आप जब माइनस करोगे तो आप लोग को आ जाएगा। तो सिंपल सा देखोगे पूरा पानी जो है अपने अर्थ पे, देखो इधर में बताया अभी जस्ट पानी कितना है अपने अर्थ पे। पानी है, बट इसमें से हम लोग पूरा पानी का यूज नहीं करते, क्योंकि पूरा खारा पानी होता है, नमक जैसा है। हम लोग थोड़ा सा परसेंट हम लोग पानी यूज करते हैं अपने पीने के लिए, बाकी सब पानी अपने यूज में नहीं आता। अब आगे देखोगे, क्योंकि समुद्र का पानी खारा, कुछ पानी जमी हुई अवस्था में होती, कुछ बर्फ के रूप में पानी पीने के लिए बहुत कम उपलब्ध है, फिर भी वह सभी सजीवों के लिए पर्याप्त है। अब देखोगे इधर दिया गया, प्रेक्षण करो और चर्चा करो। पानी का उपयोग कौन कौन से कार्यों में किया जाता है, क्या अन्य
पशु पक्षी भी पिछले पृष्ठ दिए गए अनुसार पानी का उपयोग करते हैं, मतलब जो पक्षी उच्छी रहते हैं वो भी क्या यूज करते हैं। और देखोगे इसमें हम बड़े पैमाने पर पानी का उपयोग करते हैं। हमने यह अध्ययन किया कि पृथ्वी पानी नियमतः जल चक्र द्वारा होता है। इस जल चक्र के लिए वाष्प की आपूर्ति करने का बड़ा काम महासागर द्वारा होता है। इससे वर्षा होती है और जमीन पर मीठे पानी का स्रोत निर्माण होता है। पानी प्राप्त करने के लिए हम नलों, नदियों तथा छोटे तालाबों, झरनों और झीलों आदि जमीन पर इसे प्राकृतिक स्रोत का उपयोग तो हम करते ही हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य जो है नलकूप तथा कुएं खोदकर भूगर्भ मतलब क्या होता है, पानी के अंदर भी निकालता है रहता है। इसके साथ ही मनुष्य ने नदियों के पर बांध तथा अन्य छोटे बड़े बांध भी बनाए गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, उद्योग तथा कृषि के लिए पानी का अनियंत्रित उपयोग होते रहने के कारण अब पानी कम पड़ने लगा। इसके कारण पानी की कमी का गंभीर समस्या पैदा हो गई है। अब देखोगे इसे सदैव ध्यान में रख